हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं कॉस्मोस की। कॉस्मोस को मैंने अपने गार्डन में शो किया था 20 अक्टूबर को। मैं ईस्ट में हूँ इसलिए अभी ईस्ट में अक्टूबर तक तो बारिश ही रहती है, इसलिए लेट शो करते हैं यहाँ पे गार्डनर्स जो भी हैं। अगर हम नॉर्थ में हैं तो हम इसको सेप्टेम्बर एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में शो कर सकते हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल में इसके बीज डाल देने, जहाँ पर भी आपको ग्रो करना है वहाँ पर इसके बीज आप वेल ड्रेन्ड सॉइल में डाल दें और ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। जनवरी में ये फ्लावर देने लग जाता है और दिसंबर में मैंने एक बार इसमें DAP डाली थी और उसके बाद में ये जनवरी में इसने मुझे फ्लावर देना स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए जनवरी का ही वीडियो है, इसमें जो स्पेंट फ्लावर है वो कुछ इस तरह का दिखता है, फ्लावर है और जो उसका येलो पार्ट है वो इस तरह का हो जाता है। अभी ये पूरा पका नहीं, ये बर्ड है और ये जब जब ये पक जाएगा तो ये डार्क ब्राउन का हो जाएगा। तो मैं इसको उसी पेड़ पे छोड़ा है ताकि मैं इसकी बीज ले सकूँ। अगर आपको बीज लेने हैं तो इसको आप कट मत करिए, बीज नहीं लेने तो आप इसको तोड़ के अलग कर दीजिए ताकि आपको और ब्लूम मिले। तो ये इसमें कई सारे कलर्स होते हैं, वाइट, पिंक और येलो, लिलैक, कई तरह के कलर्स आते हैं और बहुत सुंदर लगता है। मैंने जनरली अपने गार्डन में पीछे की तरफ लगाए हैं, आगे की तरफ मैंने कैलेंडुला, डेमोफोटिका या कैलिफोर्निया पॉपी लगाई है। ये अच्छा एरिया कवर करता है और ये फरवरी तक खूब ब्लूम करेगा, खूब फूल देता है। इसकी वाटरिंग भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, 3 to 4 days में एक बार इसकी वाटरिंग करती हूँ और इसमें ज़्यादा कोई इंसेक्ट्स भी ऐसे मुझे नज़र नहीं आते कि मुझे इसमें कोई स्प्रे करना पड़े। और खूब अट्रैक्ट करता है बटरफ्लाइज़ को और बीज को, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब ये जो है फरवरी आ गया, फरवरी के मंथ में जो स्पेंट फ्लावर था वो इस तरह का हो गया है, डार्क हो गया है, ब्राउन हो गया है और सूख सा गया है। तो मैंने इसको इजीली इसको ऐसे कलेक्ट करके रख लिया। कलेक्ट करने के लिए ऐसे चीज़ को कलेक्ट करके थोड़े दिन धूप में दिखा के और फंगिसाइड पाउडर लगा के आप एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये नेक्स्ट सीज़न में आपको आप इसको इजीली शो कर सकते हैं। तो एक ही पेड़ से आपको हज़ारों बीज मिल जाते हैं जो कि इकोनॉमिकल भी है, नहीं तो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए कितने बीज हम खरीद सकें या कितने बीज हम कितने हम सैम्पलिंग लगाएं। तो ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लावर और उसका कवरेज बहुत अच्छा लगता है पूरे गार्डन के अंदर। इसका उसकी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है, बटरफ्लाई को खूब अट्रैक्टेड करते हैं। ये मेरे गार्डन के अंदर फ्रंट में